हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो देखिए, आज यहाँ भी बारिश होने वाली है, मौसम बन रहा है और सब जगह बारिश हो रही थी, पर यहीं पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी। हम लोग भी परेशान थे इतनी गर्मी से कि कब भाई बारिश होगी, लेकिन आज सुबह सुबह लग रहा है ये मौसम की या तो बारिश हो के ही रहेगी। काफ़ी काले घने बादल आए हैं। तो अभी सुबह के हो रहे 5:30। तो अभी मैं गर्म कर रही हूँ पीने का पानी, पर ये प्लेन पानी नहीं है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन। इसमें करीब 2-2.5 गिलास पानी है लिया मैंने, और ये जब करीब आधा हो जाएगा खोलते खोलते, तब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर इसको छान के पी लेंगे। लेकिन इसके पहले मैंने नॉर्मल वाटर गर्म करके पी लिया है, क्योंकि हैबिट है ना सुबह में पानी पीने की, ये तो खोलने में उसमें टाइम लग जाता है। तो सुबह प्लेन पानी मैंने गर्म करके पी लिया है और बाकी वो खोल रहा है, इसके बाद बाद में उसको छान के पी लेंगे। और इस बीच सब मैंने कुकर में चढ़ा दिया है सब्जी। आलू टमाटर सब्जी बनानी थी, क्योंकि वंश को आज सब्जी पूरी ले जाने का मन था, तो मैंने फटाफट कुकर में चढ़ा दिया, क्योंकि कुकर में ना जल्दी बन जाता है और ये कढ़ाई बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मॉर्निंग टाइम में तो भाई कढ़ाई वाला सब्जी के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, पर सुबह में ऐसे कुछ बनाते हैं जो कुकर में बने फटाफट हो जाए, नहीं तो फिर मैक्सिमम टाइम तो आलू पराठे ही वंश ले जाता है, तो आलू पराठे ही बनते हैं। पर आज बोला था कि रोटी, वो पूड़ी और सब्जी ले जाने के लिए, तो मैंने आटा नॉर्मल ही लगाया है, क्योंकि हम लोग रोटी ही खाएंगे। तो फिर इधर मैंने आटा गूंथ के रख दिया, सब्जी भी बन गई है। और तब तक ये कुछ बर्तन थे जो धुलने थे, जैसे कि चौका बेलना, ये सब मैंने रात में धुल नहीं पाई थी, मैं पड़ा रह गया था, तो बस वो सब धुल रहे हैं। और बेबो का बॉटल खोलाने के लिए जो भगोना है उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर ले रहे हैं। वैसे साफ ही है, इसमें कुछ और यूज करते नहीं है, लेकिन फिर भी बॉटल उसमें खोलाते हैं तो थोड़ा सा एक बार साफ कर लेते हैं। तो बस इसमें लेंगे थोड़ा फिल्टर का पानी, इसको रख देंगे खोलने के लिए। इधर ये बॉयल होने वाला जो पानी है, जिसमें ग्लास जिसमें बेबो का बॉटल खोलाएंगे, वो गर्म होता रहेगा, तब तक इनका बॉटल धुल लेंगे। फिर इधर बॉटल धुलने के बाद, फिर इसके बाद बर्तन आज लगाने थे रात में मैंने, सब ऐसे ही पड़ा है किचन में, तो ये सब लगा देंगे, तो जिससे क्या होना थोड़ा किचन मेरा क्लीन हो जाएगा। और एक चीज़ है कि इधर ना बीच में मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी, तो हुआ क्या कि पहले तो कोशिश करते हैं कि रोज़ ही वीडियो अपलोड कर दिया करें। वीडियो मैं बनाती भी रोज़ हूँ, लेकिन होता क्या है कि पूरे दिन भर का जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो काफ़ी टाइम का हो जाता है, जैसे कम से कम 1-1.5 घंटे का हो जाता है, फिर उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ इतना सारा काम भी होता है, प्लस बच्चे भी मोबाइल, अगर उनको सामने आप ज़्यादा यूज़ करो तो बच्चे भी मोबाइल लेके बैठने लगते हैं, तो इस कोशिश करते हैं कि उनके सामने ना ही एडिट करें, मतलब मोबाइल कम से कम छुए। तो फिर इस चक्कर में क्या हो रहा है कि एडिटिंग मेरा बचा रह जा रहा है, और फिर इसलिए मैं टाइम टू टाइम मतलब वीडियो अपलोड भी नहीं हो पा रहा है। तो आज क्या मैंने सोचा है कि मॉर्निंग का ही, मतलब ये जो वीडियो है ना आज सुबह की ही है, तो सुबह से लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर करीब 12-1 बजे तक का ये वीडियो है। तो फुल डे का वीडियो बनाने में यही दिक्कत होती है कि पूरा एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सोचा है कि जो मेन पार्ट होता है ना, जिस दिन भर का काम का जो मेन पार्ट होता है, वही चीज़ ब्लॉग में दिखाया करें, तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी भी बनी रह जाएगी और एडिट करने में भी थोड़ी इजी रहेगा। तो इधर देखिए मेरा पानी भी खोल चुका है, उसको मैंने बंद कर दिया, और बाहर देखिए बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मैं खिड़की भी नहीं खोल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज हवा भी चल रहा है ना, तो पूरा पानी घर के अंदर आ जाएगा बालकनी में, और वहाँ पर मैंने स्टैंड पर कपड़े वपड़े भी फैलाए हुए हैं, तो मैंने बाहर से ऐसे बस थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लिया। तो देखिए पानी मेरा थोड़ा हो गया ठंडा, अब बहुत ठंडा भी नहीं करना है इसको, थोड़ा से गुनगुना, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म है, बस इसको थोड़ा सा इसको छान लेंगे और फिर इसके बाद इसको हम दोनों जन पियेंगे। तो इनके पापा भी अभी जो है वो भी अपना कुछ लैपटॉप पे काम वाम कर रहे थे, तो अभी वो भी फ्री हो गए हैं, तो बस हम लोग अभी क्या था, पहले हम लोग चाय इस टाइम लेते थे, पर चाय की जगह अभी हम लोग उसको रिप्लेस कर दिए हैं, उसकी जगह पर ये अजवाइन पानी लेते हैं। अजवाइन पानी क्या है, इसमें सौंफ और ये भी है, जीरा भी है, और थोड़ा सोचा है ना इसे मेथी के दाने भी डाल दिया करेंगे, जिससे कि ये सब चीज़ें फ़ायदा ही करती हैं, नुकसान तो करेंगी ही नहीं, हाँ लेकिन जो भी होगा फ़ायदा ही होगा। तो अभी हम लोग चाय की जगह इसको ले रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग ये अजवाइन पानी पी रहे थे कि बेबू आ गई हैं टीचर बन करके। ये जब दुपट्टा पट्टा ले लेती हैं ना, तो कभी मम्मी बन जाती हैं, कभी मैम बन जाती हैं, तो अभी ये मैम का रोल कर रही हैं, क्योंकि इनको स्कूल जाने का टाइम हो रहा है ना, तो ये खुद ही मैम बन गई हैं और हमको स्टूडेंट बनाई हैं, बोल रही हैं
कि अभी आप स्कूल में हो, पढ़ाई करो। तो क्योंकि इनको बोल दिया ना, बेटा तैयार हो जाओ, आप स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। आज सोचा ना, इस जल्दी उठ गई हैं, इनका मूड ही फ्रेश लग रहा है, तो इनको स्कूल भी ले जाते हैं, आज थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम में ले आते हैं। नहीं तो रोज होता था ना, करीब 10 साढ़े 10 बजे जाती थी, कभी 9 बजे गई हैं, तो आज इनको थोड़ा जल्दी ले जाएंगे। डेबी स्कूल जाएगी। तो देखिए, बजरा सुबह के 8:30, अब वो तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए। बोलो तो यहाँ पर बेबू कह रही है कि मम्मा मुझे जल्दी से रेडी कर दो स्कूल जाने के लिए। तो इनको मैं रेडी कर रही हूँ, फटाफट कपड़े पहन लिए हैं, बस इनको सॉक्स पहनाना है, शूज पहनाना है। और देखिए कितने खुश हैं, एकदम बात इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी सुना डाल रही हैं, अपने कुछ स्कूल की बात बता रही हैं, कुछ फ्रेंड्स की बातें बता रही हैं। तो इनके मतलब इतनी एक्साइटेड हैं स्कूल जाने के लिए। मतलब जब बच्चे खुश होकर स्कूल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, अपना भी मन, मतलब घर में काम करने मन लगता है। वही बच्चे जब रो पीट के जाते हैं ना, तो हम लोग का ही मन नहीं रहता घर में, लगता है बच्चा वहाँ क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा या क्या कर रहा होगा बेचारा। लेकिन जब बच्चे हंस के खेल के स्कूल जाते हैं, तो एक संतोष सा लगता है, लगता है यार चलो अच्छा, अच्छी जगह गया है बच्चा, कुछ सीख रहा है। और तो देखिए ये सुबह सुबह अपना नहा धो के रेडी हैं, शायद अभी थोड़ा इनको थकान लग रही है, बात करते करते थक गई हैं। अब देखिए ये बोर हो रही हैं कि इनको जल्दी से छोड़ दिया जाए, स्कूल में डाल दिया जाए। लेकिन कि पापा भी तैयार व्यार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो ये पूछ रही हैं मम्मा टाइम देखो कितना टाइम हो गया है, अभी रेडी क्यों नहीं हुए पापा। यार हो गई, मैंने इनको हैंकी दिया कि बैग में रख लो बेटा, तो देखिए अपने बैग में हैंकी रखने गई हैं। और इधर मैं इनका लंच पैक कर रही हूँ, तो देखिए आ गई मेरे पास अपना बैग दिखाने कि मम्मा मैंने हैंकी रख लिया है। फिर मैंने बोला वेरी गुड। तो अभी पूछ रही मम्मा क्या लंच में दे रहे हो, तो मैंने बताया, पूछा क्या ले जाओगे, तो बोल रही है मखाना चाहिए, बिस्किट चाहिए और याकूट चाहिए। तो बीच में कभी कभी इसे दे देते हैं, याकूट है, ये सब चीज़ें हैं, तो क्या होता है वैसे भी ये सब नुकसान को उतनी है नहीं, खैर ज़्यादा देना नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन फिर भी कभी कभी चलता है। और वैसे भी याकूट सब उतना हार्मफुल भी नहीं है, बाकी जूस सब से तो बेटर ही है। और बच्चों के लिए अभी क्या है, छोटे बच्चे इनका कुछ ऐसा डाइट है नहीं कि इनको कुछ हम पूरी पराठा इतना दे दें खा पाएंगे, तो फिलहाल वही दे दिया। वैसे भी ज़्यादा देर रहना नहीं इनको, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए इनके बैग में सिर्फ कपड़ा रखना पड़ता है, एक सारे बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कुछ भी पानी वानी गिरा सकते हैं, खाना वाना खाते समय कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एक सेट रखना पड़ता है। वैसे सुसु पॉटी की ऐसी कोई इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ करके जाती हैं, और बाई चांस लगती भी है तो बता देती हैं। तो देखिए जाते समय पैर वैर छू के जा रही हैं, और इनके पापा भी इनको छोड़ेंगे, और फिर इसके बाद इनको ऑफिस जो है 12 बजे जाना है, तो इनको अभी 8:30 बजे ले जा रहे हैं स्कूल, और इसके बाद फिर ऑफिस जाने से पहले इनको वापस घर ला देंगे, क्योंकि वैसे बाहर बहुत बारिश वारिश हुई है। ये वो कहाँ जा रहे बेटा? आज बारिश हो रही है, बेबू अपनी गाड़ी के पास आ गई है। बाय गुड्डा, हैप्पी, कैसे हंसते हो? बाय बाय गुड्डा। तो ये देखिए हंसते खेलते स्कूल जा रही हैं, मतलब इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसा कि मैक्सिमम बच्चों में हो जाता है। खैर पहले बच्चों में सबके साथ होता है, सेकंड बच्चों में किसी साथ हुआ किसी साथ नहीं, लेकिन सेकंड बच्चे काफ़ी सुधरे हुए होते हैं। वंश में तो भाई बहुत रुलाया था, मतलब उसके लिए सच में हम घर पे कई बार बैठ के रोए भी हैं, मतलब कि वहाँ पर कैसे होगा। और बेबू के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कभी रोना पड़ा ना कुछ, ना खुद वो उतना रोती होती है। तो इधर अब वो चली गई हैं स्कूल, और वंश भी चला गया स्कूल, अभी इनके पापा छोड़ने गए हैं, तो अभी
मैंने सोचा कि पहले बिस्तर उस्तर सही कर देते हैं, अभी तक यही सब पड़ा हुआ था काम, यही नहीं कर पाए थे, तो फिर अब बिस्तर उस्तर सही कर लेते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं क्या और काम बचा है। अब छोटे मोटे काम जितने होंगे सब फटाफट यहाँ से निपटा लेंगे। और नहा हुआ तो सुबह ही लिया था हम लोगों ने, तो फिर मेन है अब घर भर का कहीं काम है, यही सब छोटे मोटे। और इधर देखिए अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, और ये है कि बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, वंश भी चला गया है, बेबू भी चली गई हैं, और इनके पापा के लिए मैंने सोचा है कि भिंडी की भुजिया बना देते हैं, क्योंकि सुबह में तो वंश वो आलू वालू की सब्जी उब्जी खाया ले गया है वो, और इनके पापा थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब देखिए बेबू को आने का टाइम हो गया है, इनके पापा गए हैं लेने। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कब आएंगी, मतलब नहीं कि पहले तो रोज़ हम ही ले आते थे, लेकिन आज इनके पापा घर पर हैं तो वही लाने गए हैं, तो बस लग रहा था कि कब आएगी, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी ये लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर मैं किचन में जैसे आई, बस चावल वाल निकाल ही रही थी कि जब तक मम्मा बेबू आ गई बुलाते हुए। क्यों मिलता है हाथ? तो देखिए जैसे स्कूल से आई हैं, बोली मम्मा मैम ने इनको हार्ट दिया है, इनके गाल पे ना मैम स्टार बनाई है, तो उसको हार्ट बोलती हैं ये। तो आते ही कहने मम्मा मेरा कपड़े चेंज कर, पेपे बोलती हैं, पेपे मतलब कपड़ा ड्रेस, तो बोली मम्मा कपड़े चेंज कर दो, हाथ पैर धुल लें, मतलब ये समय बहुत तेज़ हैं कि कहीं से बाहर से आना है तो पहले हाथ पैर मुंह धुलना है, क्योंकि ये सब कोरोना के टाइम पैदा हुए बच्चे हैं तो बहुत साफ़ सफाई रखते हैं, तो बेबू बहुत साफ़ सफाई रखती है, कहीं से भी बाहर से आएगी तो पहले हाथ पैर मुंह धुलेगी, कपड़े चेंज करेगी। तो इधर देखिए इनके पापा तैयार हो गए, ऑफिस निकल रहे हैं, और बेबू देखिए पापा को बाय बाय कर रही हैं, और पापा गेट तक छोड़ने भी जाएंगे। इनके जैसे गेट तक छोड़ने गई थी कि उनको पता चला कि उनके पास हैंकी नहीं है, हैंकी छूट गई है, तब फिर ये जाएंगे अपने पापा को हैंकी देने। देखिए जैसे मैं गेट बंद गई थी, बोले अरे मेरी हैंकी छूट गई है, तो बस मैंने देखा कि चेयर पर रखी पड़ी थी, बेबू खुदियाँ देखिए कितना झटपट दौड़ के जा रही दे रही हैं, मतलब वही है बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता, एक टाइम था कि नहीं पीछे बस पड़े रहते थे, आवाज़ देखिए काम भी करने लग गई हैं। तो बस फिर इसमें पापा चले गए हैं, तो बस मैं इनका बैग चेक करने लग गए कि इसमें क्या है, क्या लंच किए हैं, क्या छोड़ी हैं, क्या वर्क मिला है। तो अभी वर्क ऐसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि इन लोगों का ना टेस्ट चल रहा है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई, एग्ज़ाम शुरू हो गया इनका। तो ये देखिए अब मेरा ही टेस्ट शुरू हो गया, ये मुझे पढ़ा रही है, मम्मा आप बेबी बन जाओ और मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ये सब हुआ, उसके बाद फिर इनको सुलाने ला दिया, थोड़ा दूध पिला दिया था, फिर उसके बाद इनको सुलाने ला रहे हैं, ये खेल रही हैं। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।